Very good afternoon everyone. So guys, how are you feeling? है ना? देखो किसी चीज की कदर नहीं होती आप लोगों को और एक इतना प्यारा सा हमारा एक चैनल है जिसपे हर एक चीज अवेलेबल है और ये चैनल जो है वो एक दिन नहीं दिखा तो परेशानी हो गई ना. इसलिए कहती हूँ कद्र होना बहुत जरूरी है. Until unless you'll not lose anything, आपको उसका पता नहीं चलेगा. तो कोशिश ये करना चाहिए कि हम किसी चीज को लूज ना करें. जब वो आपके पास रहे तभी उसके आप कद्र आपको हो जाए. तो ये चैनल जहाँ पे इतना सारा कंटेंट है, चाहे आप सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इवन कंप्यूटर साइंस, कोई भी इंजीनियरिंग आपने की हो, फिजिक्स में आपने बीएससी किया हो, एंड नॉन टेक का रीजनिंग, साइंस इतना पढ़ते हैं, करंट अफेयर्स इतना पढ़ते हैं, जीके है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इतना कुछ है ना. एंड देन यू डोंट हैव द कद्र ऑफ दिस थिंग. देखो भगवान जी ने बता दिया ना कद्र इम्पोर्टेंट है. हाँ जी ठीक है. तो सेशन को इसको आज आप थोड़ा सा लाइक और शेयर करेंगे. टुडे इज अ स्पेशल सेशन. ये सेशन स्पेशल इसीलिए है क्योंकि आज के सेशन में हाँ बिल्कुल सब मिल जाएगा, सब मिल जाएगा, सब सीक्वेंस में मिल जाएगा. हो सकता है कि कुछ कॉन्टेंट्स अभी आपको नहीं दिख रहा हूँ लेकिन आज सब एवरीथिंग विल बी फाइन. फर्स्ट थिंग इज दैट वी नीड टू वी हैव टू सेलिब्रेट दिस कि आज इतना इम्पोर्टेंट चीज रहा है ना. तो दैट इज इम्पोर्टेंट. और आज सेशन वापस चैनल वापस आ गया राइट. चलें बहुत बढ़िया. सो गाइस स्टार्ट करते हैं. हम पॉलिटी के बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इस बार मतलब बिफोर जितने कितने स्ट्रांग थे हम लोग उससे ज्यादा स्ट्रेंथ दिखाएंगे और जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे राइट. तो पहले आप लोग बताइए आंसर और मैं देखूंगी कि हुआ द टॉप फाइव स्टूडेंट्स हमारे जो आंसर्स बताएंगे. वेरी गुड आफ्टरनून. कोई चैनल को क्या हो गया था मैम, सर्च ही नहीं आ रहा था. कोई बात नहीं, अब आ गया ना. अब आंसर बताओ जल्दी से. एक दिन का जो गैप उसको जल्दी से कंप्लीट करना है ना. हाँ कौन है हमारे टॉप फाइव कैंडिडेट जो बताने वाले हैं कि किसने बनाया ड्राफ्टिंग कमिटी, कौन बने थे चेयरमैन ड्राफ्टिंग कमिटी के. रंजन बता रहे हैं, सचिन बता रहे, ए के पटेल बता रहे, करुणा रथी बता रहे हैं और संगीता बता रही. ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपके पास ऑलरेडी होंगे, उन क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रही हूँ. तो ये है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और तेज बहादुर सपड़ू ये थे दो लोग जो कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तीनों मीटिंग में गए थे 1930 में, 1931 में, 1932 में. तो बी आर अम्बेडकर के साथ साथ तेज बहादुर सपड़ू ये दो लोग थे जो सारे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन, चाइना में किस तरह का बेसिकली वहां गवर्नमेंट है या लीडरशिप है, 1949 से चल रहा है, डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, फेसिस्ट या कम्युनिस्ट. चाइना में किस तरह का लीडरशिप है. कल के क्वेश्चंस हाँ कल से स्टार्ट किया हमने, फर्स्ट पांच क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, जल्दी जल्दी इसको कंप्लीट करेंगे हम लोग. यस गाइस, चाइना में किस तरह का लीडरशिप है जल्दी से बता दो कमेंट सेक्शन में. तो हमारे जो टॉप फाइव कैंडिडेट है उनका नाम है इच्छाधारी नाग, मलकित सिंह, कुमारी मनीषा, गलत हो गया तुम्हारा आंसर, ए के पटेल और सुनीता. ठीक है, कुमारी मनीषा क्यों गलत, नहीं गलत होना चाहिए. ठीक है, यस एवरीवन, वेरी गुड. सौरभ बेरा, पावन बता रहे हैं, विषय संकट बता रहे हैं, आशीष है, आर्यन है, मैकेनिकल वॉरियर है, एक्सिलेंट एक्सिलेंट एफर्ट्स. चले तो ये कौन सा है, ये है आपका कम्युनिस्ट. कम्युनिस्ट इसका आंसर हो जाएगा, चाइना में कम्युनिस्ट है. अच्छा और कुछ कुछ चीजें हम लोग को पता होनी चाहिए. जैसे 1931 में क्या हुआ कि कराची में सेशन हुआ था और सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है वो हमारे कांग्रेस के ये थे प्रेसिडेंट अध्यक्ष. कराची में ये सेशन हुआ था. अब इस सेशन में सबसे पहले फंडामेंटल राइट और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी को लॉन्च किया गया. तो इसको पास किया गया, साथ ही साथ गांधी इरविन पैक्ट जो समझौता हुआ था 5 मार्च 1931 इसको भी बोला गया, असेंट दिया गया कि हाँ गांधी जी जाइए, आप लंदन जाइए, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अटेम्प्ट कर लीजिए. अब आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे ये पूछा जा रहा है गाइज कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जिसके आधार पर प्रीएम्बल बनाया हमारे देश का, इसको किसने किया. तो प्रीएम्बल
वाला आंसर जो हमारे टॉप 5 कैंडिडेट है वो कौन बताएंगे? यस, मिस्टेक हो गया, कोई बात नहीं, ओके, मिस्टेक होता है. वर्णिशिका का आंसर आया है, मनप्रीत का आया है, प्रीति का आंसर आया है किशोर, इच्छाधारी नाम, टॉप 5 कैंडिडेट जवाहरलाल नेहरू इसका आंसर है. गाइज ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वाज पास बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू, है ना. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट टेम्पररी चेयर, फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन कौन बने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के? यस, तो जल्दी से बताओगे इसका आंसर. एवरीवन विल टेल मी द आंसर, एवरीवन विल लाइक द सेशन, एवरीवन विल बी वेरी एनर्जेटिक एंड यू विल शेयर द सेशन बिकॉज टुडे इज अ वेरी स्पेशल सेशन. जल्दी जल्दी 50 क्वेश्चन करेंगे हम लोग. हाँ जी, ओके ओके ओके, हाँ यहीं पे कल रुके थे ना. बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही आप लोगों का आंसर आ रहा है. और आंसर्स जो है देने वाले बच्चे हैं, पुनीत है, इच्छाधारी नाग है, प्रीति है, पूजा है, स्ट्रेंजर है. बहुत बढ़िया, एक्सलेंट गाइस. और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आंसर दे रहे हैं, सभी का आंसर सही है. तो हम जानते हैं कि आंसर क्या होगा. आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है. और अगर टेम्पररी है, अगर आपसे फर्स्ट परमानेंट पूछा जाएगा तो वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी. राजेंद्र प्रसाद जी 11 दिसंबर 1946 को बन गए प्रेसिडेंट, टेम्पररी चेयर मतलब परमानेंट चेयरमैन बन गए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के. एक बात याद रखेंगे कि जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 9 दिसंबर 1946 से ये शुरू हुआ, ठीक है, उसके बाद इनकी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949. फिर क्या हुआ कि 26 जनवरी 1950 में हमारा संविधान लागू हो गया. अब इसके बाद जब तक हमारा लोकसभा नहीं बनता है, ठीक है, तो जब भी मीटिंग हुई जिसमें अध्यक्ष जो है राजेंद्र प्रसाद जी रहे, तो हम लोगों ने कहा कि ये मीटिंग जो है वो किसकी मीटिंग है गाइस, ये मीटिंग है आपकी, ये मीटिंग है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की. और जब इनमें जीवी मावलंकर थे चेयरमैन, तो हमने बोला ये हमारा पार्लियामेंट है, ये तो लोकसभा है. तो जीवी मावलंकर फर्स्ट चेयरमैन है, फर्स्ट स्पीकर है हमारे लोकसभा के. और जब उनके अध्यक्षता में मीटिंग होती है तो वो लोकसभा हो गया. और जो चेयरमैन राजेंद्र प्रसाद जी हैं, जब इनके अध्यक्षता में मीटिंग होती है तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हो गया, ठीक है. चलो जल्दी से बताओ कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया कब मनाया जाता है. व्हेन इज कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड? संग्राम का आंसर आ रहा है. नहीं संग्राम, बिल्कुल मैं देख रही हूँ आपका आंसर. नॉलेज विद शॉर्ट्स, राजेंद्र प्रसाद परमानेंट थे, ये सौरभ बेड़ा बता रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड एक्सीलेंट. सेशन को लाइक करेंगे आप लोग सभी, है ना. यस, तो आंसर बताओ कॉन्स्टिट्यूशन डे कब मनाते हैं हम लोग. बहुत बढ़िया, प्रियम्बल में यही लिखा हुआ है. नीलम का आंसर आया, वनिशिका का आंसर गलत हो गया क्यों, शिवम का आंसर भी गलत लग रहा है. हाँ क्यों कंफ्यूजन है. आंसर क्या होगा, संविधान दिवस किस दिन मनाते हैं? संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाते हैं 1949. ये डेट आपका लिखा हुआ है संविधान के प्रियम्बल में. इसी दिन आपका संविधान बनके तैयार हो गया, इसी दिन हमने संविधान को एडॉप्ट कर लिया. लेकिन लागू किस दिन किया, 26 जनवरी 1950 में लागू किया गया है गाइस. यस, बताओ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फ्रेम्ड बाय, किसने फ्रेम किया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसके लिए कौन सी असेंबली, कौन सा सभा बना है जिसने भारत का संविधान फ्रेम किया है. भारत का संविधान फ्रेम किसने किया है, जल्दी से बताएंगे. क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर, आदित्य का आंसर आ गया है, आयुष का आंसर आ चुका है. यार क्वेश्चन नंबर लिख के बताओ ना, ऐसे एबीसीडी में दिक्कत हो जाएगा. ये सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. हो तो गया इंजीनियरिंग अड्डा, ठीक, क्या हो गया, सब बढ़िया है, एवरीथिंग इज फाइन नाउ, है ना. यस, तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने गठन किया. किसने बनाया हमारा संविधान, हमारा संविधान बनाने वाला सभा है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, ठीक है. चलिए अब आपको भाषा के बारे में बताना है. ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब संविधान बनाया था, ड्राफ्टिंग कमेटी ने जब संविधान बनाया था तो इसको किस भाषा में बनाया गया था? क्या ये सिर्फ इंग्लिश में बनाया गया था, इंग्लिश हिंदी में बनाया गया था, इंग्लिश उर्दू में बनाया गया था, या इंग्लिश हिंदी और उर्दू में बनाया गया था? हाँ जी, वेरी गुड वेरी गुड एवरीवन, बहुत बढ़िया. दिस एनर्जी शुड बी कंटिन्यूड,
है ना एग्जाम तक. अब ये आज हो गया हमारा 19th October. मैंने आपको प्रॉमिस क्या किया था कि आपका जो है एक साल का कंप्लीट हो जाएगा. आज अगस्त का करंट अफेयर्स कंप्लीट हो गया. Now you promise me that till 14th of November your energy will be as high as today. हाँ जी, इससे भी ज़्यादा हाई. Okay. तो ये English और Hindi दोनों है. English और Hindi दोनों में ये हमारा संविधान लिखा गया है. अगला सवाल है कि संविधान तो लागू हो गया, संविधान अस्तित्व में आ गया, संविधान अस्तित्व में कब आया, है ना? नहीं नहीं, ओनली इंग्लिश नहीं है, इंग्लिश और हिंदी दोनों है. हाँ, इंग्लिश तो हमारा वो भाषा ही नहीं है ना जो 22 लैंग्वेजेस है ना इट शेड्यूल में. इट इज नॉट आवर ऑफिशियल लैंग्वेज. नेपाली बजाते हैं, सिंधी है, इंग्लिश नहीं है. 3 बार अमेंडमेंट हुआ है, 21, 21st अमेंडमेंट, 71st अमेंडमेंट और 92nd अमेंडमेंट. 3 बार हमारे 8 शेड्यूल में लैंग्वेजेस को ऐड करके अमेंडमेंट किया गया है. बिल्कुल 26 जनवरी 1950. और आपको यह भी पता होगा कि क्यों, क्योंकि 26 जनवरी 1930 जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि आज हमारा पहला इंडिपेंडेंस डे है ना. और आपको यह भी पता होगा कि 1929 में जवाहरलाल नेहरू जी ने पूर्ण स्वराज की मांग की थी. पूर्ण स्वराज की जब मांग की थी जवाहरलाल नेहरू जी ने, तो ये कहां पे थे, ये लाहौर में ये सेशन हुआ था, ठीक है. और 1930 में रावी नदी के किनारे इन्होंने तिरंगा फहराया था लाहौर में. और उस दिन से हम बोले कि आज हम आजाद हो गए. और उसी चीज को कॉमरेट करने के लिए 20 साल बाद संविधान को लागू किया गया, जबकि संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हो गया था. लेकिन वी वेटेड फॉर दिस डे, राइट? सब याद है, चले बढ़िया. डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमारे संविधान में बोरो किया गया. हमारे संविधान में बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें हम लोगों ने बोरो की है. आप बताइए कहां से बोरो किया गया है. अगर फंडामेंटल ड्यूटीज की बात की गई हो तो वो तो यूएसएसआर से किया गया हो. फंडामेंटल राइट की बात की गई हो या कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की बात की गई हो, तो वो अमेरिका से किया गया है. पार्लियामेंट किस तरह का होना चाहिए, ये हमारा ब्रिटिश से किया गया है. नाउ यू टेल मी, आई एम गिविंग यू लॉट ऑफ हिंट्स. यस, थोड़ा सा रैपिड, थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे, जल्दी जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एग्जाम में बिल्कुल टॉप करेंगे. वाह, जल्दी सॉल्व करेंगे टॉप. अच्छा एक बात बताओ, कैंडिडेट्स, एस्पिरेंट्स, आवाज क्यों नहीं क्लियर है? आवाज तो क्लियर है. आवाज क्लियर नहीं है, आवाज तो क्लियर आ रही होगी बेटा. पॉलिटी की प्लेलिस्ट शो हो जाएगी. अगर आप एसएससी जेई पॉलिटी बाय कीर्ति पांडे सर्च करेंगे तो क्लासेस भी शो हो जाएंगी, ठीक है. सब हो जाएगा, सब अच्छा हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, जय श्री राम. चलो, तो ये आयरलैंड ने, आयरलैंड, ठीक है. एनी बेसेंट किस देश की थी? एनी बेसेंट, हाँ हाँ, एनी बेसेंट किस देश की थी ये बताइएगा. एनी बेसेंट किस देश की थी? एनी बेसेंट थी कहाँ की? एनी बेसेंट भी आयरिश थी. एनी बेसेंट ने आयरलैंड से कौन सा एक आइडियोलॉजी बोल लो या आइडिया बोल लो वो लेकर आए थे, जिससे तिलक बहुत प्रभावित हुए थे. आवाज गूंज रही है बिकॉज आई एम शाउटिंग अलॉट ना. यस, आई एम वेरी एक्साइटेड. तो हाँ, तो एनी बेसेंट जो है वो, उन्होंने होम रूल का आइडिया, एनी बेसेंट कौन सा आइडिया लेके आई थी? होम रूल का आइडिया लेके आई थी, है ना. और तिलक इस आइडिया से बहुत ज्यादा प्रभावित थे. और तिलक ने बोला कि हाँ बिल्कुल, हम क्या करेंगे, हम स्वराज, उस समय दूसरा उसका मतलब था, तो होम रूल लेके आई थी. एनी बेसेंट के बारे में एक बात और जानिएगा कि 1917 में कलकत्ता सेशन में जो पहली महिला अध्यक्ष बनी, आई एम नॉट सेइंग इंडियन वुमेन, आई एम सेइंग महिला, ओनली वुमेन, तो ये एनी बेसेंट थी कलकत्ता सेशन में. और 1925 में कानपुर के सेशन में जो पहली इंडियन वुमेन बनी, फर्स्ट इंडियन वुमेन, तो ये कौन थी? भारत की कोकिला, इनका नाम क्या है गाइज? ये सरोजनी नायडू थी. सरोजनी नायडू के बारे में दो बातें और जान लीजिए. पहला क्या कि जब 1916 में लखनऊ सेशन हुआ
तो बोला गया कि हिंदू मुस्लिम सब एक है, इंटरनेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट सब आके मिल गए। इस अध्यक्षता किसने की थी? एसी मजुमदार ने की थी। और इसी सेशन में, एसी मजुमदार के सेशन में कहा गया कि हम दो यूनिटी के एम्बेसडर बनाएंगे। तो ये थे मोहम्मद अली जिन्ना, हाँ जिन्ना बने थे, और सरोजनी नायडू, तो ये दो बने थे। साथ ही साथ एक और बात जान लीजिए कि 1931 में जब गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए गए तो गांधी जी के साथ कौन गई थी? तो वो भी सरोजनी नायडू ही थी। अब आपको इसके बाद सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो गई होंगी, राइट गाइस? वेरी गुड। चलें जल्दी से बताएं, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी लिया तो गया है आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। अब आपने बताना है, आपने ये बताना है कि किस पार्ट में है। हाँ बिल्कुल, 1916 में लखनऊ पैक्ट साइन हुआ था। यस, आपने ये बताना है गाइस कि ये जो है किस पार्ट में है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी किस पार्ट में है और किस आर्टिकल से किस आर्टिकल तक है। पॉलिटी जो हमसे पढ़ चुका है वो नहीं बताएगा, तो उसको जो है तंदूरी फ्राई करने का पूरा पूरा अधिकार है मेरे पास। यस, आर्टिकल नंबर कौन सा है गाइस? आर्टिकल नंबर 4 है, ठीक है? देखो दो बच्चे कंफ्यूज करते हैं किसमें, मैं बताती हूँ। 4 को वो उनको ये नहीं याद होता है कि डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और 4 का ए इनको ये नहीं याद होता है कि ये फंडामेंटल ड्यूटी है, ये तो गलत बात है। 4 याद होना चाहिए कि 36 से 51 है, और 4A याद होना चाहिए कि 51A है। ये याद होना चाहिए कि 4A जो है वो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ है, जो कि 1976 में आया था। और ये जो है कौन लेके आई थी? द आयरन लेडी ऑफ इंडिया, इंदिरा गांधी लेके आई थी। सब एकदम तुरंत तुरंत रट के बोलते जाना है ना? चलें बढ़िया। अब बताओ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, लिबर्टी इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी जो है ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से हमने लिया है? कॉन्स्टिट्यूशन तो कॉन्स्टिट्यूशन, तुम लोग ने एनसीईआरटी तो पढ़ा होगा, जब का बोलो मैम मैंने नहीं पढ़ा, तो क्लास 9 तो पास किया ही होगा। तो क्लास 9 जब पास कर लिया आप लोगों ने, तो हिस्ट्री तो किताब होगी ना उसमें एनसीईआरटी की, चाहे कोई भी बोर्ड से पढ़े हो, सिर्फ आईसीएसई वालों को नहीं पता होता जैसे मुझे, ठीक है? तो उसमें आपका फर्स्ट चैप्टर क्या था? फ्रेंच रिवॉल्यूशन था। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में आया है ना। तो इस समय क्या क्या वर्ड हमने लिया वहां से? लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। वेरी गुड एवरीवन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है हमने ये, फ्रेंच के कॉन्स्टिट्यूशन से, फ्रांस के संविधान से लिया है। देखिए आप लोग अच्छे से पढ़िए और क्लास का करिए कद्र, क्योंकि एक दिन क्लास गायब है तो सबका सिट्टी पिट्टी गुल हो गया था ना, देखो सारे प्लेलिस्ट गायब हो गए थे, राइट? तो इसीलिए आप लोग जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, कुछ भी हो सकता है। हम क्यों बोलते हैं कि आज अच्छे से पढ़ो, आज पूरा मन लगा के पढ़ो, क्या पता कल तुम्हारे घर में गेस्ट आ जाए, परसों तुमको सब्जी लाने के लिए दुकान भेज दिया जाए, तरसों तुमको कहीं घूमने का प्लान बन जाए। यानी आज के डे को सबसे ज्यादा अहमियत दे के आज के दिन का सबसे ज्यादा आउटपुट निकालना चाहिए, राइट? क्योंकि आज आपको मिला है, अब आज की तरह एक और आज नहीं मिलेगा, है ना? चले बढ़िया, इससे ज्यादा ज्ञान नहीं रहेगी। तो फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये आर्टिकल नंबर 51 के ए में है। इसमें पहले 10 फंडामेंटल ड्यूटी थे, बाय हार्ट मैंने याद करवाया था, आपको याद होना चाहिए। 11वां फंडामेंटल ड्यूटी 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ऐड हुआ, जो कि 2002 में आया। इसमें कहा गया कि हर एक गार्जियन का ये राइट, मतलब फंडामेंटल ड्यूटी है कि वो अपने बच्चे को एजुकेशन प्रोवाइड करे, राइट? तो ये फंडामेंटल ड्यूटी है हमारा। हाँ जी, चले नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है गाइस? वेरी इजी क्वेश्चंस आर दीज, आर वेरी इजी क्वेश्चंस एंड यू शुड बी नोइंग द आंसर्स, है ना? नाक कटवाने का प्रबंध नहीं करना है, जल्दी जल्दी क्वेश्चन के आंसर्स बताने हैं। अब ये जो लास्ट मोमेंट है, हम सारे वो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। यस, वेरी गुड वेरी गुड। तो क्या होगा? द चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट, यार फंडामेंटल राइट हैज बीन बोरो फ्रॉम अमेरिका, अमेरिका से बोरो किया गया है। चलो बड़े, पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू क्या कहता है? कि अगर किसी जज ने, अब मान लो 5 बेंच का जज है, इसने ये फैसला सुनाया, तो उसको फिर से रिव्यू किया जा सकता है। 7 बेंच, उससे ज्यादा बेंच का जज जो है वो उनको रिव्यू कर सकता है। साथ ही साथ एक और बात समझिएगा
कि जब आपका संविधान बना तो 1951 में जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, ये कहां से आया, ये क्या था? इसने हमारे संविधान में नौवा अनुसूची, नौवा शेड्यूल जोड़ा। नाइन्थ शेड्यूल क्या कहता है? नाइन्थ शेड्यूल कहता है पूर्वालोकन, न्यायिक पूर्वालोकन, दैट इज जुडिशियल रिव्यू एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशियरी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, और ये कहां से हम लोग लेके आए हैं जुडिशियल रिव्यू? हम लोग अमेरिका से लेके आए हैं। ओके, चले जल्दी जल्दी आंसर बताएंगे। देखिये यही सब क्वेश्चन आता है एग्जाम में, हम लोग बहुत अच्छे लेवल पे पढ़े हैं, ये सब क्वेश्चन तुरंत तुरंत हम लोग उड़ा देंगे, है ना? तो अभी पढ़े हो लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी। लिबर्टी इक्वालिटी फ्रेटर्निटी कहां से लिए हैं? फ्रांस से लिए हैं। एक बार करंट अफेयर्स में एक बात याद रखिएगा कि फ्रांस कई साल बाद अब जाके पहली बार यूनियन, यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष भी बना है। तो इस साल अगर आपसे पूछा जाएगा ना कि बहुत सालों बाद कौन सा कंट्री यूरोपियन यूनियन का अध्यक्ष बना है, तो उसका आंसर फ्रांस है। फ्रांस का कैपिटल क्या है? पेरिस, जहां पे कंगना रनावत अकेले गई थी हनीमून पे। सॉरी, वो तो मूवी का स्टोरी था। ओके ओके, और साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि फीफा वर्ल्ड कप जो फुटबॉल का होता है, ये इस बार कतर में हो रहा है, और बहुत सालों बाद किसने इसको क्वालिफाई किया है? तो कनाडा ने क्वालिफाई किया है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, रेसिडुअल पावर। अब ये रेसिडुअल पावर का मतलब तो बहुत लोगों को नहीं पता होगा, तो मैं आपको बता दूं व्हाई आई एम हियर। आई एम हियर टू टेल यू द मीनिंग, द थिंग ऑफ यू डोंट नो, द थिंग विच यू डोंट नो। अच्छा एक बात बताओ, वो सब तो ठीक है, इधर जो रैपिड फायर एनर्जी के साथ क्लास चल रही है, एनर्जी बढ़ाएंगे हम लोग पता है कैसे? सेशन को लाइक करके। अगर जितने बच्चे लाइव हैं वो लाइक कर देंगे, लाइव इज इक्वल टू लाइक हो जाएगा, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। समझ में आ रहा है आपको, है ना? सबका कमेंट देख रही हूं मैं, और एकदम पूरा नजर है मेरा सौरभ बेरा, मैकेनिकल वॉरियर, नॉलेज विद शॉर्ट, इकबाल आलम, विनेश, संकट, मिनीश, मिशिनी, बड़ा प्यारा नाम है मिशिनी। ठीक है, तो सबका कमेंट मैं देख रही हूँ, ये मैं सोचेगा कि मैं गलत देख के और फिर सटक जाऊं। ठीक है, हाँ, तो रेसिडुअल पावर के बारे में आप बताएंगे, हैज बीन बोरोड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन, कहां के संविधान से लिया है हमने? अब रेसिडुअल पावर बोले तो क्या? तो जब आपका संविधान बना तो बहुत सारी चीजें हैं ना, अब अभी से थोड़ी पता है। आप देखो जैसे ये बहुत सारे नए नए चीजें आ गई हैं, स्पेस के बारे में बातें आ गई हैं, फिर वुमेन राइट्स के बारे में बातें आ गई हैं, ट्रिपल तलाक है, गे मैरिज है, यूनियन सिविल कोड है। तो जो चीजें उस समय संविधान में नहीं थी उसका पावर किसको दिया जाए, ये बात आया कि उसका पावर किसको दिया जाए। तो बोला गया यार उसका पावर तो पहले जब आजाद नहीं हुए थे हम लोग तो हमने गवर्नर जनरल को दिया, लेकिन फिर हमने बोला क्या कि नहीं हम लोग देंगे सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ये बात कहां से आई? ये कैनेडा से आई कि रेसिडुअल पावर पे भी तो सोचो, तो ये कैनेडा से हमने लिया था इस संविधान के इस चीज को। ठीक है, नेक्स्ट है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। देखो ये क्वेश्चन कितने कितने बार आ चुका है, तो ये आयरलैंड से लिया गया डीपीएसपी। फिर आप देखें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, अब ये क्या है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम? पेड क्लासेस में मैंने बताया है क्या होता है। देखो हमारे देश में क्या है ना कि चिंटू मिंटू रिंकू बबलू सब इलेक्शन में खड़ा हो गया। अब मान लीजिए 100 लोग हैं, ठीक है, किसी को चिंटू थोड़ा सा पसंद आ गया, 5 वोट इसको मिल गया, मिंकू को 7 वोट मिल गया, रिंकू को 2 ही वोट मिला, बबलू को 4 वोट मिला, बहुत लोग वोट ही नहीं दिए, ये सबसे हमको मतलब नहीं है। पर जीता कौन? मिंकू। जीता मिंकू क्यों? क्योंकि सब में सबसे ज्यादा किसको वोट मिला? मिंकू को मिला। तो ये जो पोस्ट है यानी कि मिनिमम वोट लेने, मिनिमम मैक्सिमम वोट किसने ले लिया? इसने ले लिया। तो जो भी ले ले इससे मतलब नहीं है कि कम से कम आपको 100 में 50 वोट तो मिले, ये सबसे कोई मतलब नहीं है, है ना? वो वोट कास्टेड का 1/6 होना चाहिए वरना आपका जमान जब्त हो जाएगा, लेकिन मिनिमम में भी जो मैक्सिमम है वो बन जाता है। तो ये ब्रिटिश से हमने लिया है, और साथ ही साथ किसी तरह से जो भी पार्टी 50% + 1 यानी कि कोलिजन कर लो या जो भी है, यानी कि मेजॉरिटी जितना टोटल लोग है उसका 50% + 1 सीट ले आती है तो उसने पोस्ट को पास कर दिया, अब वो सरकार बनेगी। तो वोट की राजनीति हमारे देश में गाइस, है ना? हम लोग भी वोट बिना सोचे समझे दे देते हैं, हम कल को बोल दे कि एसएससी जेई में सब पास कर जाए, हमको वोट दे दो, तुम लोग दे ही दोगे,
voice is cheering. Why the voice is cheering? Actually, नहीं, यहीं से खराब है. चिल्लाते चिल्लाते यहीं से खराब हो गया. आप लोग भी सोच समझ के वोट दिया कीजिए. जब आपके पास पावर आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है. पता चला कि ऐसे कोई बोल दिया कि आपको वोट दे दो, रोज डेली में चॉकलेट देंगे, तुम लोग अपना वैल्यूएबल वोट उसको देंगे. ओके, क्वाजी फेडरल. क्वाजी फेडरल का मतलब होता है कि पूरी तरह से फेडरल नहीं है, क्वाजी. तो क्वाजी फेडरल जो फॉर्म है सरकार का, ये हमने कहां से लिया है? इसका गलत बता रहे हो आंसर. कनाडा से लिया है गाइस. कनाडा से हमने लिया है क्वाजी फेडरल. ठीक है. स्पीकर, देखिए स्पीकर कहाँ होते हैं? स्पीकर होते हैं लोकसभा में, विधानसभा में. चेयरमैन कहाँ होते हैं? चेयरमैन होते हैं राज्यसभा में, विधान परिषद में. हमारे राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? तो डिप्टी प्रेसिडेंट होते हैं भारत के. इनको याद रखे, वाइस प्रेसिडेंट, डिप्टी प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट बोलेंगे है ना, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं भारत के. तो अब आप बताएं कि ये जो स्पीकर का रोल है तो कहां से लिए हम लोग? ब्रिटेन से लिए हैं. याद रखिएगा कि पार्लियामेंट के बारे में ज्यादातर चीजें हमने कहां से ली है गाइस? तो हमने ब्रिटेन से ली है. इमरजेंसी का हमने जर्मनी से लिया है. आर्टिकल नंबर 124A, ये बहुत बार लगा है, तिलक पे भी लगा है. अभी रिसेंटली कन्हैया कुमार केस आपने सुना होगा, तो उन पे भी लगा है 124A. तो ये क्या है? एक होता है देशद्रोह कि तुमने देश के खिलाफ कोई काम कर दिया. एक होता है राजद्रोह कि तुमने राज्य के खिलाफ काम, राज यानी सरकार, ठीक है, सरकार के खिलाफ हो तुम. तो तिलक को मिला होगा तो समझ में आ गया कि तिलक जो है ब्रिटेन सरकार के खिलाफ थे. और अब अगर आप सरकार के खिलाफ बात कीजिएगा तो आईपीसी की धारा 124A जो कि सेडिशन की बात करता है, 124A याद रखेंगे, इसके तहत भी आपको जेल में डाला जा सकता है. तिलक को डाला गया था ना मांडल्या जेल में, जहां पे उन्होंने किताब लिखी गीता रहस्य. तिलक के बारे में तो सब बात पता ही आपको. वैलेंटाइन चिरोल ने तिलक को क्या कहा है? तिलक को कहा है भारत में अशांति के जनक, द फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. और तिलक इसी बात पे गुस्सा के चले गए लंदन की इस पे केस ही कर देंगे. क्या तिलक को कभी भी अध्यक्ष बनने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिला? मिला था, लेकिन उसी समय वो लंदन चले गए कि ना पहले हम केस करके आएंगे, इससे अच्छा वो कांग्रेस के अध्यक्ष बन जाते हैं ना. तो कभी भी कोई अध्यक्ष कौन नहीं बने, तो वो भी बाल गंगाधर तिलक ही थे जो कभी अध्यक्ष नहीं बने. और जब बाल गंगाधर तिलक का की मृत्यु हुई 1 अगस्त 1920 में, ठीक है, इनका निधन हुआ, उसी दिन गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू किया. नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने के लिए एक स्पेशल सेशन बनाया गया. तो आप बताइए कि सितंबर महीना में, ऐसे तो हम लोग इंटरनेशनल कांग्रेस का सेशन कब होता है? 28 दिसंबर के आसपास होता है, लेकिन स्पेशल सेशन हुआ. स्पेशल सेशन जो है वो कहां हुआ, कब हुआ, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं. चलो बढ़िया. ओके गाइस, व्हाई द यू आर सेइंग दैट आवाज इज गूंजिंग? आवाज गूंज रही है मेरी. हाँ, क्या ऐसा है कि मेरी आवाज गूंज रही? मैंने तो चेक करवाया भी टेक्निकल टीम से, तो वो तो कह रहे हैं कि आवाज तो अच्छी आ रही है. चलो बताओ जल्दी से आंसर क्वेश्चन का. नागपुर में हुआ है, बहुत बढ़िया. इच्छाधारी नाग, क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि इच्छाधारी नाग जो है हमारे ही कोई पुराने स्टूडेंट है जो कि बदल उदल के आए हैं. नाग वाम, नाग के साथ एक वो भी लगा लो ना, तो स्माइली नाग वाला. क्योंकि मैम आवाज गूंज. चलो गाना गाने लगता है, पता चला यार ये सब तुमको अब रट गया होगा कि लॉ के सामने सब बराबर, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन फ्रॉम लॉ. आर्टिकल नंबर 14 लॉ के बारे में जो डेफिनेशन है, आर्टिकल नंबर 13 और अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन कोई भी तरह का, रिलीजियस, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी भी तरह से रिलीजन नहीं मिलना चाहिए, मतलब डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, भेदभाव नहीं होना चाहिए, आर्टिकल नंबर 15. और आर्टिकल नंबर 17 है अनटचेबिलिटी, तो आंसर हो जाएगा आर्टिकल नंबर 14. सबको पता है, बोल रहे इतना काफी है. नहीं, हम कह रहे हैं कि तुम इच्छाधारी नाग के आगे ऐसे एक बीन बजाती हुई नागिन, तो इतना गाना याद आता है दिन भर यही काम.
क्वालिटी के सब्जेक्ट को रिमेम्बर करना थोड़ा मुश्किल है, ये तो हम नहीं मानेंगे। जो जिसने मेरा प्लेलिस्ट देखा है मुझे नहीं लगता है उसको रटा गया होगा। अब ये बताओ, ये वाला जो है मॉडलिंग मिंटो रिफॉर्म तुमको नहीं रटा गया है? तुमको नहीं पता है कि सेपरेट इलेक्टोरेट क्या होता है? तुमको नहीं पता है कि पृथक निर्वाचन क्या होता है? मुस्लिम को अलग से पृथक निर्वाचन दे दिया गया 1909 में, उसके बाद 1919 में बोला गया कि बाकी लोगों को भी दे दिया गया है, और DRK भी बनाया गया। कौन सा ऐसा गवर्नमेंट का एक्ट था जिसमें बोला गया कि डायआर्की को खत्म कर देंगे, जो 1919 में डायआर्की उसको खत्म कर देंगे, लेकिन कहां? प्रोविंसेस में खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी देंगे। तो कहां लेके आ गए? तो डायआर्की को लेकर आ गए ना सेंटर में, तो सेंटर में डायआर्की को लेकर आ गए। तो ये आप याद रखेंगे। साथ ही साथ आपको ये भी याद होगा कि जब गांधी जी गए थे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में मैकडोनल्ड अवार्ड यानी कि कम्युनल अवार्ड दे दिया गया। किस साल? तो 1931 में दिया गया, गांधी जी गुस्सा के वापस आ गए। 1932 में दिया गया था बेसिकली। फिर सितंबर में गांधी जी ने 1932 में पूना पैक्ट साइन किया और बोला गया कि नहीं, कम्युनल अवार्ड नहीं मानेंगे, है ना? तो ये सब आप याद रखेंगे। यस, ओके गाइज, वेरी गुड गाइज। चले जल्दी से और बताएंगे आंसर्स। यस एवरीवन, वेरी गुड। चले नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सब याद है ना, सब याद आ रहा है ना पूरा एकदम सीक्वेंस में, कि कैसे कैसे होता है, क्या क्या होता है? कोई दिक्कत तो नहीं है आप लोगों को? एवरीथिंग इज क्लियर। चले, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड। आपको अगर कोई भी संशोधन करना है, कोई भी चेंज करना है, कोई भी बदलाव करना है, अमेंडमेंट लाना है, तो एक ही आर्टिकल आपका साथ देगा। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल अबाउट संशोधन इज आर्टिकल नंबर, विच आर्टिकल नंबर गाइज? सब कोई आंसर दे रहे हैं, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, सबको एक आंसर आ रहा है, दैट इज गुड। आर्टिकल नंबर 368, आर्टिकल नंबर 368 ये क्या कहता है? आर्टिकल नंबर 368 कहता है कि यहां पे आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा, हाँ, अमेंडमेंट। एक बात, कुछ कुछ चीजें याद रखिएगा कि आर्टिकल नंबर 1 कहता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, हमारा देश और उसमें जो भी जगह है, जो भी स्टेट है, टेरिटरी है, यहां तक कि इंडिया से जो 12 नॉटिकल माइल्स तक का पानी है वो भी हमारा है, यानी कि हमारा देश और उसका टेरिटरी। आर्टिकल नंबर 2 कहता है कि अगर तुमको किसी को ऐड करना है, ठीक है, जैसे कि सिक्किम को आपने ऐड किया, तो वो आर्टिकल नंबर 2 है, ओके। आर्टिकल नंबर 3 कहता है कि यार तुमको अपने देश में अगर कोई चेंज करना है ना, जैसे कि तुमने अरुणाचल प्रदेश को काट के उत्तर प्रदेश को हटाकर अरुणाचल प्रदेश कर दिया, फिर बाद में क्या बोलते हैं, उत्तर प्रदेश को हटा के उत्तरांचल कर दिया, उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड रख दिया, है ना, याद आ रहा है? फिर मध्य प्रदेश को काट के छत्तीसगढ़ कर दिया, उसके बाद आपने तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना निकाल दिया, फिर नाम भी बदल देते हैं। तो ये सब जो भी आपको करना है ये सेंटर डिसाइड करेगा, ये आर्टिकल नंबर 3 है। और आर्टिकल नंबर 4 भी अमेंडमेंट से रिलेटेड है, इसमें कंफ्यूज मत करिएगा। ये कहता है अमेंडमेंट आर्टिकल नंबर 4 कि अगर तुमको कोई भी चेंज करना है आर्टिकल नंबर 2 में और आर्टिकल नंबर 3 में, तो वो आर्टिकल नंबर 4 के तहत करोगे। उसके अलावा अगर तुमको कोई भी अमेंडमेंट करना है गाइज, तो वो है आर्टिकल नंबर 368। Are we clear? Everything is crystal clear, diamond clear? चलिए बढ़िया, okay. Preventive Detention Act. अब देखो, preventive detention यानी कि तुमको अगर कोई पकड़ के जेल ले गया तो पूछोगे ना भाई काहे के लेके आए, राइट? तो आपका ये राइट है, साथ ही साथ आप अपने ही खिलाफ बयानबाजी नहीं देंगे। तो आर्टिकल नंबर 20 और 22 मैंने काफी बार बताया है। आप ये भी जानते हैं कि 19, 20, 21 और 22 ये जो चार आर्टिकल हैं वो आपके फ्रीडम से रिलेटेड है। ये सब पता होना चाहिए कि 14 से 18 इक्वालिटी, फ्रीडम हो गया 19 से 22, उसके बाद अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन 23 और 24 है अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, और 25 से लेकर आर्टिकल नंबर 28 है रिलीजन, और 29 और 30 है कॉन्स्टिट्यूशनल, मतलब इंस्टीट्यूशनल, अगर आपको कोई कल्चरल या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बनाना है
तो 29 और 30 आर्टिकल है. साथ ही साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि आर्टिकल नंबर 32 इज द दिल एंड आत्मा, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. आर्टिकल नंबर 32 जो कि कौन कह गए, B.R. अम्बेडकर कह गए. एजुकेशनल राइट आर्टिकल नंबर 21 के ए में है, जो कि बाद में जोड़ा गया. कौन से अमेंडमेंट से, 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 में जोड़ा गया. राइट टू प्रॉपर्टी ये आर्टिकल नंबर 31 में था, इसको हमने शिफ्ट कर दिया 300A में, अब ये लीगल राइट है. तो राइट टू प्रॉपर्टी इज नो मोर योर राइट. अब बच्चे कंफ्यूज क्या करते हैं कि राइट टू प्रॉपर्टी को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में नहीं, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में डाला गया. है ना, सब समझ में आया, सब क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है. चलिए बढ़िया, नेक्स्ट. ऐसे ऐसे पढ़ना है पॉलिटी, एकदम ही लगातार एक ही सिलसिला में सब पता हो जाना चाहिए. जो बच्चे पढ़े हैं 21 क्लास है YouTube पे और पेड में मिला के जो पढ़े हैं, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, ये विश्वास है कि आपने इस तरह से ही पढ़ाया, आपको इस तरह से ही याद है ना. गाइस नाक मत कटवा देना बस. फिर आ रहे हैं, देखो बहुत अच्छा तुम लिखा कि आर्टिकल नंबर 300A में शिफ्ट कर दिया गया है और पार्ट गलत लिख दिया. बताओ इसको लटका देना चाहिए हमको. पार्ट 12 आर्यन ने लिखा है पार्ट 9. बेटा पार्ट 9 में तो पंचायत है ना, पार्ट 12 है. पार्ट 12 है आपका सूट और प्रॉपर्टी और फाइनेंसेस, पार्ट 12 है वो. याद नहीं रखना है, समझ जाना है, क्रिस्टल क्लियर है. चलिए ठीक है, पढ़िए पढ़िए, अभी और पढ़िए. तो देखिए एटीएम मशीन, ये बोल चुके हैं हम, एटीएम मशीन किस में है, यस एटीएम है. तो ये बताओ कौन सा है शेड्यूल नंबर, कौन सा है एटीएम मशीन का, ये है 6, शेड्यूल नंबर 6 है. शेड्यूल हम ऐसे बताए थे तुमको कहानी कि एक क्या है, एक सन है जो कि चमकता है. कहां चमकता है, अपने देश में चमकता है, अपने देश में चमकता है, यानी कि वन इज द इंडिया, वन में है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, वन क्लियर हो गया. टू में है जूते, दो होते हैं जूते, कब आएंगे जूते, जब सैलरी आएगी तब आएंगे जूते. थ्री यानी ट्री, ट्री को क्या करते हैं, ओथ लेते हैं नहीं काटने का, तो थ्री में ट्री है. चार यानी कि चार होते हैं, कुर्सी के पैर, किस चीज का कुर्सी, तो सीट होता है कुर्सी पे, किस चीज का सीट, राज्यसभा का सीट. पांच में क्या है, पांच में शेड्यूल ट्राइब्स का एरिया है. असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ATMM है ना, ATMM ये जो है आपका, ATMM ये है आपका शेड्यूल नंबर 6 में. ठीक है, क्लियर हो गया. यानी कि इसमें जो भी चीज है ना, ये वाला है. ओके, अच्छा तुम लोग को पता है, अभी तुम लोग बहुत कंफ्यूज करो कि मैम ये कैसे पढ़ेंगे, वो कैसे पढ़ेंगे, और ऐसे कैसे होगा, ऐसे कैसे याद होता है. याद करना बहुत आसान है, समझना बहुत आसान है, गवर्नमेंट जॉब लेना बहुत आसान है. इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज है, इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज है. मैं बताऊं कैसे, शुड आई टेल यू द ट्रिक. अच्छा आप लोग परसों फ्री हैं क्या, शुड आई टेल यू द ट्रिक, आर यू फ्री परसों, कल नहीं परसों. तो एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है. अगर आप लोग परसों फ्री हैं तो एजुकेशन का एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन होने वाला है. और अगर आप 11 बजे उस रिवॉल्यूशन में आते हैं तो आपको ये जितने भी डाउट्स हैं आपके कि ये कैसे पढ़ेंगे, कितना पैसा लगता है, वो कैसे होगा, ये सारे डाउट्स आपके एक ही बार में क्लियर हो जाएंगे. एक मैजिकल चीज होने वाला है जिसके तहत आपको, हाँ, आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है, गवर्नमेंट जॉब्स लायरे में जितना भी प्रॉब्लम है, वो सब कुछ आपका एक बार में सॉर्ट आउट हो जाएगा. तो आपको बिल्कुल जुड़ जाना है अपने चैनल पे. एक बार तो आप लोग, आपके पास लिंक होगा तो आप उस सेशन को लाइक कर दीजिएगा, मैं आपको दिखा देती हूँ. और साथ ही साथ आपको शेयर करना है, एक बार लाइक करिएगा, उसको शेयर कीजिएगा और बिल्कुल आके उसमें जाना है. और फिर जितना भी आपका डाउट है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कि ये चीज कैसे मिलेगा, वो चीज कैसे मिलेगा, टेस्ट बनाए नहीं बनाए, बैचेस में कैसे एनरोल हो, मैम पढ़ने के बाद भी भूल जाते, ये सब कुछ आपका बिल्कुल ही क्लियर हो जाए.
इसमें आपको कहीं पे भी कभी भी किसी और से कोई हेल्प लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। सो उसके लिए आपने क्या करना है कि उसके लिए आपको परसों यानी कि 21 तारीख को आ जाना है, और 21 तारीख को आपको कहाँ पे आना है, अपने ही चैनल पे, ठीक है, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, अपने ही चैनल पे आपको आना है 11 बजे। तो ये रिवॉल्यूशन है एजुकेशन का, और ये बहुत बड़ा आपके लिए बहुत सरप्राइज होगा और यू विल डेफिनेटली लव इट। तो ये है आपका रिवॉल्यूशन ऑफ एजुकेशन, और बिल्कुल आप इसमें आ जाइएगा परसों यानी कि 21st, और जो भी चीज आप मुझसे पूछ रहे हैं आपको एक बार में सारे आंसर्स मिल जाएंगे, ऑल द आंसर्स यू विल गेट। आप अपने चैनल पे एक बार इसको लाइक कर दीजिएगा, है ना, चैनल रिकवरी भी है, बिल्कुल उसका भी पूरा हम लोग में एक्साइटमेंट है, वी आर हैप्पी फॉर इट, राइट। तो आप इसको एक बार लाइक कर दीजिएगा, बहुत आपको आपके चैनल यानी कि इंजीनियर्स अड्डा पे, गेट अड्डा पे, सब जगह मिल जाएगा। मैं इसको एक बार शो कर देती हूँ आपको, देखिएगा, बस एक सेकंड गाइस, अभी और क्वेश्चंस करने हैं हम लोगों को। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये यूट्यूब पे मैं गई हूँ, है ना, और यूट्यूब पे जाने के बाद मुझे इस चैनल पे मैं गई, इंजीनियर्स अड्डा 24/7, आपका प्यारा चैनल, और ये है आपका वो शो जिसमें आपको सर खुद बताएंगे हर एक सोल्यूशन। तो आप एक बार इसको लाइक कर दीजिए, और सारे लोग लाइक कर दीजिए, है ना, एवरीवन प्लीज डू लाइक इट, सबको इसको लाइक कर दीजिए। यस एवरीवन डू लाइक इट, और आएंगे आप लोग, सबको आएंगे, सारे ऑल द स्टूडेंट्स विल कम, एंड देन दिस रिवॉल्यूशन, जो सिलेक्शन का रिवॉल्यूशन है हमारा, एजुकेशन में बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन आने वाला है। तो आपको तो पता ही है कि गवर्नमेंट जॉब इज इक्वल टू अड्डा 24/7, तो अड्डा 24/7 पे आप सब अड्डा 24/7 के स्टूडेंट्स आके जुड़ेंगे, और पता है बहुत बड़ा सरप्राइज मिलने वाला है आपको। यस, सो डोंट मिस इट, और बाद में मुझे कोई कंप्लेन नहीं करेगा कि मैम मैं नहीं आया, मुझे ये चीज नहीं मिला। इफ यू नॉट कम देन योर लॉस, ठीक है। यस, चले नेक्स्ट, शेड्यूल नंबर सेवन में क्या है। शेड्यूल नंबर सेवन में है आपका, यहाँ पे पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है ना, पावर का डिस्ट्रीब्यूशन है, और पावर का डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, ये है आपका यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन, और ये लिस्ट है, यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट है, राइट। यस, एवरीवन विल बी सरप्राइज, आइएगा, मजा आएगा। यस, चले, तो आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज एस्टैब्लिश अ डेफिनेट प्रोविजन, ये क्या होगा इसका आंसर? क्यों माइक प्रॉब्लम है, वेट लेट मी चेक। यस, यस, ओके, आर्टिकल, फिर ये देखिए ये क्या है, तो देखो इसमें ना ए और सी दोनों हो जाएगा। अब ये क्या चीज है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एस्टैब्लिश्ड विद डेफिनेट प्रोविजन अंडर एन आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, तो बाद में इसको एस्टैब्लिश किया गया था, और ये आपका इलेक्शन कमीशन है और एनएचआरसी है। तो मैं चाहती हूं कि मेरे जितने स्टूडेंट है वो मुझे बताएं कि एनएचआरसी, देखो ये आएगा, गलती नहीं करिएगा, ये मिस मत कीजिएगा, एनएचआरसी किस आर्टिकल में है, यूपीएससी किस आर्टिकल में, इलेक्शन कमीशन किस आर्टिकल में है, और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किस आर्टिकल में, बताएंगे ना आप लोग? हाँ, कमेंट सेक्शन में मुझे ये सारे आर्टिकल्स चाहिए, और बाद में अगर एग्जाम में आएगा तो कोई रोएगा नहीं, क्योंकि ये आएगा, इसको डाला है मैंने क्योंकि ये आएगा, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके सारे कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाए, और जब मैं इस तरह से रिविजन करूं तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जल्दी से एसएससी आईएमडी के बैचेस में या डीआरडीओ के बैचेस में, जिस भी बैच में आप आना चाहते हैं, आपको आना है और उसके बाद पढ़ाई शुरू कर देना है, ठीक है, ताकि जितने भी कंसेप्ट हैं, चाहे वो टेक के हो चाहे वो नॉन टेक के हो, उस कंसेप्ट में आप कंफ्यूज नहीं करेंगे। आने का प्रोसेस बड़ा ईजी है, गूगल पे जाएंगे, गूगल पे जैसे जाएंगे तो यहाँ पे गूगल पे जाते ही आप adda247.com टाइप करेंगे, यानी सरकारी नौकरी से adda247.com, फिर आपको ऑल कोर्सेज में जाना है,
अगर आप अटल 24/7 के ऐप से करते हैं ना तो आपको 1% का ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। यूज पॉइंट पे टिक करना है, बहुत बच्चों को नहीं पता है, ऐप से करने पे यूज पॉइंट पे टिक कीजिएगा, ठीक है। तो आप ऑल कोर्सेज में आप आए, गेट इंजीनियरिंग सेक्शन में गए, आप देखो एसएससी जेई का जो बच्चा एग्जाम देने वाला है और वो अगर क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहा है तो वो पिटाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए एसएससी जेई का आपका नॉन टेक भी है, सिविल भी है, मैकेनिकल भी, इलेक्ट्रिकल भी, सब कुछ है। प्राइम पैक में ये फायदा है कि जैसे सिविल का प्राइम पैक है तो जितने भी एग्जाम्स के है ना सब आपको एक जगह मिल जाएंगे। 6 महीने का लेना है तो 6 महीने का ले सकते हैं, 1 साल का लेना है 1 साल का ले लीजिए। Y332S यूज कीजिएगा, S सीरीज में S, सिर्फ 372 रुपीज में Y332S यूज करने पे टेस्ट पैक लीजिए और पढ़िए पढ़िए एकदम मन से पढ़िए। और DRDO के बैचेस हैं आपके पास, DRDO में नॉन टेक का मेरा बैच अलग है हमारा, और टेक प्लस नॉन टेक का बैच अलग है, तो DRDO का बैच है। DRDO में आपको क्या करना है कि यहाँ पे भी Y332 अप्लाई कर देना है, फिर आपका 1023 रुपीज में आपको DRDO का नॉन टेक का बैच मिल जाएगा। DRDO टेक प्लस नॉन टेक चाहिए तो यहाँ पे भी Y332, देखो टेक्निकल इलेक्ट्रिकल का आ गया है, फिजिक्स का आ गया है ना, तो बिल्कुल इस अपॉर्चुनिटी को ग्रास्प कर लीजिए। Y332 यूज कीजिए और जल्दी से AEJ बन जाइए। 2644 रुपीज का आपको ये बैच मिलेगा, राइट। साथ ही साथ देखो SSC IMD का बैच आ गया। बहुत सारे बच्चों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि भरे नहीं भरे, क्यों नहीं भरना है फॉर्म, जब जितने फॉर्म है सब भरिएगा ना। मैक्सिमम हम लोग को क्या चाहिए, चांसेस कि हमारा ये गवर्नमेंट जॉब हो जाए, राइट। तो यहाँ पे SSC IMD का भी है, तैयारी कीजिए आप। Y332 आप कोड यूज कीजिए, SSC IMD 2644 रुपीज में आपको ये SSC IMD का बैच मिल जाएगा। तो ये सारे बैचेस आपके लिए है। अब मैं क्या सजेस्ट करूंगी, अब तुम बोलोगे मैम 2644 में ये भी है, 2644 में और भी बैचेस लेने मुझे, तो मेरा सजेशन तो गाइस हमेशा ये रहता है कि आप महापैक ले लीजिए, चाहे सिविल का लो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल का लो, मैकेनिकल का, और जिसमें भी आपने डिप्लोमा बीटेक किया है आप महापैक ले लीजिए। महापैक लेने के बाद ना आप एकदम स्थिर हो सकते हैं, स्थिर बिहारी लैंग्वेज में कहते हैं स्थिर। बेटा करंट अफेयर्स हुआ है अगस्त महीने का, क्या बात कर रहे हैं, हुआ है ठीक है। तो ये 6 महीने का भी है, 12 महीने का भी है। अब जैसे मान लीजिए मैं 6 महीने का लेती हूँ तो मुझे ई बुक्स मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएगा, जितने भी बैचेस है सब मिल जाएंगे 2759 रुपीज में। तो दूसरे बैचेस 2466 में लेने से मैं महापैक ले लू, राइट। तो टेस्ट सीरीज कितने टेस्ट सीरीज है, देखिए इतने सारे टेस्ट सीरीज है, वीडियो मॉड्यूल्स है ऑलरेडी जो रिकॉर्डेड है, ई बुक्स है, ऑनलाइन क्लासेस है, राइट। 2286 तो सिर्फ टेस्ट सीरीज है, और साथ ही साथ जो बैचेस अभी आए नहीं है, जो बैचेस अभी आने वाले हैं वो बैचेस भी आपको इसमें ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। तो Y332 लीजिए कोड और जल्दी से अपना सपना पूरा कीजिए, जल्दी से आप अपने गेट को क्वालिफाई करें, SSC JEE को क्वालिफाई करें, AE को क्वालिफाई करें, JEE को क्वालिफाई करें, और साथ ही साथ मुझे इस क्वेश्चन का आंसर, ये जो हमारा क्वेश्चन था कहाँ गया, क्वेश्चन कहाँ गया, वेट। तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा कि ये जो चारों आर्टिकल हैं, हाँ तो ये जो चारों आर्टिकल हैं ये आर्टिकल्स कौन कौन से हैं, NHRC का आर्टिकल कौन सा है, UPSC का आर्टिकल कौन सा है, इलेक्शन कमीशन 324 है ना, और विजिलेंस कमीशन, ये आर्टिकल्स आप मुझे बताइएगा। इसी तरह से क्वालिटी इस वीक हम पूरा रिवाइज करके कंप्लीट कर देंगे, कोई भी डाउट नहीं होगा। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू फॉर द सेशन, और मिलते हैं कल सुबह 8 बजे। कल हम जुलाई, आज अगस्त हो गया है, जो जिन लोगों ने नहीं देखा है अगस्त का देख लीजिए।